I did remember 11th August 1947. क्या दादा ने क्या फरमाया? क्या दादा ने फरमाया? We will treat minorities with justice. Again, I repeat, but क्या दादा ने क्या फरमाया? कि we will treat minorities with justice. Yes, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई क्या कहते हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमें भुट्टो का पाकिस्तान नहीं बल्कि कैद आजम का पाकिस्तान चाहिए. और जब हम कहते हैं कि कैद आजम का पाकिस्तान चाहिए तो हम उस पर अमल भी करते हैं. अमल कैसे करते हैं कि आज भी पिछले कई डेकेड से, यस आई रिपीट, सिंस लास्ट मोर देन 3 decades, एमपीएन पाकिस्तान के तमाम दफातर के ऊपर, चाहे वो होली का त्यौहार हो, राखी का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो या क्रिसमस का, यस, बड़े बावकार तरीके से मनाया जाता है. किसी ने बात की थी डाइवर्सिटी के हवाले से, तो यस, एमपीएम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है डाइवर्सिटी के हवाले से. जो कैद आजम का कॉल था कि जस्टिस के साथ आप बला तफरीक और रंग मरते, दैट्स व्हाट एमपीएम डूइंग इन आवर पार्टी. मेरी बहन ने यहाँ पे बात की कि खवातीन की भी, मैंने भी खवातीन के लिए इन्वॉल्व किया था. आए मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ कि जब एमकेएम कहती है कि बला तफरीक रंग और नस्ल और सियासी दर्जे से भागता रोकर, या उस पर अमल भी करती है. मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रखता हूँ, खालिद भाई मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू सुनना आप पसंद करेंगे. 2018 का इलेक्शन होता है, एमकेएम की लगभग 18 के करीब सभा असेंबली की सीट जीती जाती है. और जब आप सबको पता है कि जब इलेक्शन होता है उसके बाद खवातीन के हवाले से भी नॉमिनेशन की जाती है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा तवज्जो हो जाए. ठीक है, एंड क्या कहते हैं कि हर सूरत में खवातीन के हवाले से भी नॉमिनेशन होना चाहिए. एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया? आई नीड अटेंशन. एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया? एमकेएम पाकिस्तान ने खवातीन की नुमाइंदगी पर पहली दफा रवायत छिटनी करते हुए, जब ऐसे रवायत छिटनी करते हुए पहला नाम किसका किया? माइनॉरिटीज ने मंगल शर्मा का. अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग को देखें, इन तमाम लोगों ने क्या किया? इन तमाम लोगों ने खवातीन में नाम नंबर 1 पे किसका रखा? मुस्लिम खवातीन का. एमकेएम ने रवायत छिटनी की, एमसीएम आउट ऑफ द बॉक्स फैसला किया, एमसीएम अपने माइनॉरिटीज के साथ खड़ी हुई. अब पहला नाम किसका दिया? हिंदू कम्युनिटीज में थे मंगला शर्मा का. दैट प्रूफ कि एमसीएम जो कहती है उसका अमल करती है. और इस तरह हमने असेंबली के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर एक नहीं बल्कि 2 माइनॉरिटीज को भेजा है, एक मंगला शर्मा जो खवातीन के सीट पर है और दूसरा जो माइनॉरिटीज के सीट पर, हमने संजय परवानी भी भेजा. So that makes the difference. ये एमपीएम कैसे उसका अमल करती है. मेरा हाल है पाकिस्तान की तारीख अगर देखा जाए, बिल्कुल मेरा हाल है कोई बात करो, यहाँ पे चीफ जस्टिस ए आर कांडस को, फिर बड़ा नाम जस्टिस डिपार्टमेंट में, हम सबको याद है राणा भगवान का एट द टाइम ऑफ द क्राइसिस बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया और बैलेंस रोल प्ले किया. उनका नाम आज भी उन्हें लफ्जों में लिखा जाता है. मादक कहते हैं पाकिस्तान की जो मादक प्रथा है कौन है? या मैं समझता हूँ लेप्रोसी के हवाले से उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है. सिविल ऑफिसर उनके नाम से रखा जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है. एजुकेशन के हवाले से हम देखते हैं सेंट पैट्रिक स्कूल हो, सेंट जोसेफ स्कूल हो, मामा पार्टी हो, एफसी कॉलेज लाहौर, ये तमाम चीज अपनी कंट्रीब्यूशन के हवाले से मौजूद चला रहा है. मेरा ख्याल है कि बात की गई 2 चीजों के हवाले से भी. फारूक भाई अब आ गए हैं, मेरा ख्याल है फारूक भाई की तकरीर में तमाम चीजें मौजूद होंगी अपने ना, लेकिन 2 चीजें बात की गई. मैं समझता हूँ लेट मी अश्योर यू, बात की गई कि माइनॉरिटी फैमिली लॉकेट नहीं हो रहा. रेस्ट अश्योर एमसीएम इज देयर, आपके साथ खड़ी होगी. अगर 2 सूबों में नहीं हुआ तो एमसीएम आपके साथ बैठेगी और मेक श्योर करेगी कि इसके इम्प्लीमेंट कराया जाए. और दूसरी बड़ी बात क्या है, दूसरी बात थी कि क्रिस्टल मैरिज लॉ के हवाले से कि इसको अमेंड कराना. अगेन आई अश्योर यू कि एमकेएम पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन के साथ बैठे, एमकेएम के सेंटर्स के साथ बैठे,
हम आपके सोच में सोच के अहम बता दें, आपके आवाज में आवाज मिला देंगे, जहां जहां पर बेहतरी के लिए काम हो सकता है एमके पाकिस्तान ने दिए प्रदोष।